नमस्ते दोस्तों, अगर आपके कुछ दांत नहीं है और बचे हुए दांत काफी कॉम्प्रोमाइज है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर मयूर खैरना प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट इस वीडियो में एक खास केस लेकर आया हूँ, जिस केस में हमने पेशेंट्स के फुल माउथ रिस्टोरेशन किया है और उसमें हमने पेशेंट्स को काफी बचे हुए दांतों पे क्राउन्स दिया है और जो दांत नहीं थे वहाँ पे हमने डेंटल इम्प्लांट्स के द्वारा उसे उन्हें नए दांत दिए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पेशेंट हमारे पास पहले दिन आए थे तो उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो स्माइल थी, ये आप देख सकते हो कि आगे के दांत काफ़ी कॉम्प्रोमाइज थे। जब हमने इनके और चेकअप की डिटेल्स में तो हमें पता चला कि इनके फ्रंट दांत तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है, दिखने में अच्छे नहीं है और पीछे के दांत काफ़ी घिस चुके हैं। अब आप राइट और लेफ्ट साइड की जब इमेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था पेशेंट का और इसे ये प्रीमोलर टीथ कहते हैं और फ्रंट के टीथ तो ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज थे, पीछे के बचे हुए क्राउन्स भी काफ़ी घिसे हुए थे। हमने जब इनकी सीबीसीटी ली तो पता चला कि इनके फ्रंट एरिया में बोन जो है वो काफ़ी पतली है और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इनकी सिंगल पीस इम्प्लांट्स द्वारा फ्रंट एरिया में ट्रीटमेंट की जाएगी। तो आप ये देख सकते हो ये जो मेरे साइड में जो इमेज है इसमें हमने एक एरो बनाया हुआ, वो पर्टिकुलर एरिया हमने डेंटल इम्प्लांट्स द्वारा ट्रीटमेंट की और जो पीछे के दांत थे उन्हें क्राउन्स दिया गया था, उनके जो पुराने क्राउन्स थे वो सब निकाले गए थे और उसको नए क्राउन्स में कन्वर्ट किया गया था। तो ये देखिए कि फ्रंट एरिया में हमने सिंगल पीस इम्प्लांट्स के द्वारा पेशेंट को दांत दिए गए थे और पीछे के दो एरिया में, पीछे के जो प्री मोलर थे वहाँ पे टू पीस इम्प्लांट्स, जो आप एक्सरे में आप देख सकते हो अच्छे तरह से कि सिंगल पीस और टू पीस में क्या अंतर होता है वो आप क्लियरली देख सकते हो। फिर जब दो महीने के बाद उनकी पूरी ट्रीटमेंट हो गई, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दी, फ्रंट एरिया में उन्हें मेटल फ्री जिरकोनिया टीथ दिए गए थे और पीछे के एरिया में जो भी क्राउन्स थे बजट पॉइंट ऑफ व्यू उनके चेंज किए करके मेटल सिरामिक में कन्वर्ट किया गया था। मेटल सिरामिक क्राउन्स जो होते हैं वो भी एक हाई क्वालिटी क्राउन्स होते हैं पर उनमें एक हल्का सा मेटल अंदर होता है। सो ये दो महीने के बाद आप उनकी इमेज देख सकते हो और एक साल के बाद हमने जब उन्हें चेकअप के लिए बुलाया तो ये उनकी टोटल मेटल फ्री और पोर्सिलन क्राउन की जो कॉम्बिनेशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव लग रही थी, उनकी हाइजीन भी उतनी अच्छी थी। आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड के जो प्री मोलर्स थे जो दो महीने पहले हमें उधर प्लास्टिक एक्रिलिक क्राउन्स दिए थे टेम्पररी क्राउन पॉइंट ऑफ व्यू, अब उनकी ये मेटल सिरामिक क्राउन्स में कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये इसे म्यूचुअली प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन कहते हैं, जिसकी फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हम जो हमारे जबड़े को लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं तो हमारा कनाइन टच होना चाहिए, सिर्फ कनाइन, एक ही जो टीथ है जो टीथ टच हो रहा है उसे कनाइन कहते हैं और जो बचे हुए टीथ है वो बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं आइडियल ऑक्लूजन दोनों साइड का। इसी तरह आप आगे दांत लेके आओगे इस तरह से तो आपके पीछे के दांत बिल्कुल टच नहीं होंगे। अगर आपके पीछे के आजू बाजू के दांत टच हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वो ऑक्लूजन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके दांत घसना चालू हो जाए, तो ये चीज़ फिर से नहीं हो इसीलिए हमने इसे म्यूचुअली प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन कहते हैं कि इस तरह से इनके दांत फ्यूचर में और प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से इसे इन्हें प्लान किया गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बिफोर और आफ्टर में कितना अंतर आ चुका है, ये आप देख सकते हो फ्रंट इमेज में कितना डिफरेंस है और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में इनके क्राउन्स चेंज किए गए थे, जो राइट साइड के जो क्राउन्स हैं उनमें देखिए मार्जिन्स पूरा एक्सपोज थे जिसकी वजह से डीके हो सकता है, सड़न हो सकती है, वो चेंज किए गए थे और लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरे घसे हुए दांत थे उसको आज आइडियल शेप एंड फॉर्म दिया गया था। ये उनकी स्माइल है बिफोर और आफ्टर, आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ चुका है इनके बिफोर और आफ्टर में। ये उनके स्माइल बिफोर दो महीने के बाद और ये है एक साल के बाद, उसी तरह से अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी हैप्पी है पेशेंट। इनकी जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की गई थी जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स और बाकी के दांतों का क्राउन चेंज करना, इसके वजह से आज उनकी चेविंग कैपेसिटी, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। दाता मध्य सोपारे खाउन खाउन सर्व घासले गेले होते आणि पूर्ण एक ब्रिज पण बनवलं होतं पण ते नंतर डॅमेज झाल्या कारणाने खूप त्रास व्हायचा आणि मोकळ्यापणाने हसू शकत नव्हतो आणि त्यामुळे डिप्रेशनमध्ये आल्यासारखं वाटत होतं। यूट्यूबवर मिळाला आणि मयूर डॉक्टरांचं नाव ऐकलं आणि त्यांनी ते इतर मला ॲड्रेस मिळाला, मी आलो, त्यांनी चांगल्या प्रकारे मला मार्गदर्शन केलं आणि ट्रीटमेंट पण व्यवस्थित केली, त्यामुळे दात माझे पूर्वीसारखे झाले आणि माझा कॉन्फिडन्स पण वाढला। त्यानंतर हे क्लिनिकमध्ये आल्यानंतर थोडंसं संतोषकारक वाटतं, समाधान वाटतं, काही टेन्शन वगैरे वाटत नाही।
मग हे ब्रिज बनून गेलो घरी. माझ्या मुलांना आणि माझ्या मिसेसला एकही नाव पाहिजे की हे नवीन दात बसवले असं. त्यांना आश्चर्य वाटत होतं पूर्वीचे कसे होते आणि आता कसे दिसत आहे. त्यामुळे त्यांना एक समाधान झालं आणि कर्मचारी डॉक्टर वगैरे सर्व व्यवस्थित कोऑपरेटिव्ह आहेत. त्यामुळे काही तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. आप हमारे ऊपर के टैब में देख सकते हो कि हमने हिंदी में किस तरह से केस स्टडी रखी हुई है. आप वो सब हिंदी में वो वीडियोस देख सकते हो. और नीचे वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि 81 इयर्स के एक बुजुर्ग में हमने ये इस तरह की ट्रीटमेंट करने के बाद वो कितने खुश हो गए थे, तो वो जरूर आप वो देखिएगा. तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद. इफ यू कैन सी